फिल्म इंडस्ट्री में नील नितिन मुकेश को चोर बॉडी वाला एक्टर कहा जाता है। अगर वो फुल स्लीव वाली शर्ट पहने तो उनकी मसल्स नहीं दिखेंगी, वहीं दूसरे पल अगर वो सिर्फ गंजी बनियान पहनकर खड़े हो जाएं तो उनके डोले शोले देख आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे शरीर की वजह से वो लगभग हर तरह के रोल में फिट हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों वो अपनी फिल्म साहू के लिए खुद को अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म साहू में नील नितिन मुकेश नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। जाहिर है कि फिल्म के हीरो बाहुबली प्रभास के साथ उनके फिट सीन भी देखने को मिलेंगे। प्रभास के टक्कर का दिखने के लिए नील नितिन मुकेश नियमित रूप से जिम में जाकर अपनी कद काठी रोल के हिसाब से ढालने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। आपको बता दें कि नील नितिन मुकेश स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं। वो बचपन से ही बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस खेल रहे हैं। जब वो 8वीं क्लास में थे तब वो पार्क में 20 चक्कर लगाते थे। कॉलेज जाते ही उन्होंने जिम भी ज्वाइन कर लिया था, तब उनकी उम्र महज 16 साल की थी। इसके अलावा नील नितिन मुकेश हफ्ते में कम से कम 4 बार जिम जाते हैं। हर 15 दिन पर वो सर्किट ट्रेनिंग करते हैं। हफ्ते में वो 3 दिन कार्डियो करते हैं। इसके लिए वो या तो सड़कों पर साइकिल चलाते हैं या फिर जिम जाकर मशीन पर वो एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा वो पड़ोसियों के साथ वॉलीबॉल भी खेलते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जो लोग फिटनेस को लेकर गंभीर रहते हैं वो मीठे खानपान से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन नील ऐसा नहीं करते। वो मिठाइयों को दवाइयों की तरह खाते हैं। उनका मानना है कि अगर आप हर दिन अपनी पसंदीदा चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते हैं तो चीट डे का बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नील नितिन को गुलाब जामुन, जलेबी और मिल्क केक बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि हर किसी इंसान का शरीर खान पान से 70% और एक्सरसाइज से 30% तक प्रभावित होता है, इसीलिए नील अपने खान पान में कोई भी कोताही नहीं बरतते। इसके लिए वो अपने नाश्ते में फ्रेश फ्रूट, जूस, 2 अंडों का सफ़ेद भाग और टोस्ट शामिल करते हैं। वर्कआउट के बाद 2 अंडों का सफ़ेद भाग, प्रोटीन शेक, लंच 2 रोटी, दाल, सब्जी, मछली, शाम का नाश्ता बिस्कुट और चना, डिनर दाल का चीला, अंकुरित चना, सलाद और मछली। नील नितिन मुकेश को मछली से बनी हर डिश पसंद होती है। वो हर 2 घंटे पर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। दोपहर के बाद वो चाय कॉफ़ी नहीं पीते, ना ही फल खाते हैं, क्योंकि इससे शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है और शुगर लेवल बढ़ने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्योर एंड हेल्थ डेस्क रिपोर्ट।